उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलोला इलाके से आई बड़ी खबर, जहां पर खेत में गया हुआ ट्रैक्टर वापस अपने घर आ रहा था, तभी वो हादसे का शिकार हो गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। ट्रैक्टर नहर में पलटने से ट्रैक्टर के नीचे दो लोगों की दबकर मौत हो गई, जिससे एक परिवार में कोहराम मच गया। इसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो मौके पर तमाम ग्रामीण पहुंच गए। आपको बता दें, इस घटना में एक मासूम घायल भी हुआ है, जबकि दो लोगों की जान चली गई। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलोला इलाके से आई यह बड़ी खबर, जहां पर कटहा गांव में खेत जोतने गया ट्रैक्टर उस वक्त वापस लौट रहा था जब खेत में ज़्यादा नमी थी। ऐसे में जब परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने बताया कि ट्रैक्टर लेकर वापस चले आइए, और जब वापस वो लोग अपने घर लौट रहे थे तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और नहर में पलट गया, जिसके चलते ट्रैक्टर के नीचे दबकर दो लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलोला इलाके के कटहा गाँव का यह पूरा मामला है, जहां पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं गिलोला इलाके की यह अहम और महत्वपूर्ण खबर, जहां पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलटा और इस हादसे में दो लोगों की मौत का मामला प्रकाश में आया। जब इस घटना की जानकारी लोगों को हुई तो उनके घर पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लड़का गवर्नर